किसी को भी यकीन नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग कश्मीर में भी इतनी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भीड़ ना जुटे, इसको लेकर तरह तरह की धमकी भरी अफवाहें फैलाई गई थी। लेकिन आज सुबह से ही जो जोश जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर दिखाई दिया, उसने सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही नहीं बल्कि सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं को भी हैरान कर दिया। जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में अफवाह फैलाता है, वहीं के लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में पूरे जोश के साथ शामिल होकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के लोग भी कश्मीर को भूल चुके हैं, उसकी शायद पहली वजह यह है कि या उसकी ये समझ लें कि पर्सनल रीजंस हैं और इंटरनल चैलेंजेस हैं। इंटरनल चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को वो जो कश्मीर इशू एंड देन फिर उसके ऊपर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, सो लार्जली लोगों को याद करवाना पड़ता है कि कश्मीर भी है, वरना कोई बंदा कश्मीर पर बात नहीं करता। विपक्षी नेताओं के दावों को दरकिनार करते हुए आज विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। हजारों लोग बख्शी स्टेडियम में मौजूद थे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि उन्होंने वहां पर $777 मिलियन के तकरीबन 5,000 करोड़ के कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए, और उनका ये कहना था कि टूरिज्म वहां पे एक तरीके से अब ओपन हो गया है कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया से लोग आए, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास अब कोई क्या ऑप्शंस रह गए हैं, और क्या पाकिस्तान भी कश्मीर में पाकिस्तानी कश्मीर में टूरिज्म खोल सकता है, ओपन करे? के साथ हमें कम्पीट करने के लिए बहुत बड़े टाइम की जरूरत है, ये चीज है, बहुत बड़े वक्त की जरूरत है। हम उनके साथ अपने आप को कम्प्रोमाइज कंपेयर नहीं कर सकते, अल्फाज में कर सकते हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा। बहुत आगे हैं। मकबूजा कश्मीर जिनको ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, उस कश्मीर में इंडिया ने बहुत कुछ बना दिया है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको कोई गर्ज नहीं है, कोई परवाह नहीं है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अननेसेसरीली इसको खींच रहा है और कोई रास्ता जो है वो तलाश करने की वो भी कोशिश नहीं कर देते। बदल गया कश्मीर, वो पथराव चले गए, वो खून खराबा चला गया, रोज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मजदूर मजदूरी कर रहा है, दुकानदारी अपनी कर रहा है, तो सब कुछ अच्छा हो रहा, तो बदलता कश्मीर तो है ही है। घंटा घर में पंछी भी पार नहीं मार सकता था, आज हम लाइफ चलते हैं वहाँ पे, नया साल एंजॉय करते, हर तरह का एंजॉय करते, लोग सेल्फीयां खींचते, और क्या चाहिए हमें इससे ज्यादा? ये उसके ऊपर चढ़ाई कर देगा, मैं आपके साथ हूँ, लगाएं उसको लगाम, हमें तमाशा वाम बदल चुकी हुई है। 777 मिलियन डॉलर्स के तकरीबन 5,000 करोड़ के कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए, और उनका ये कहना था कि टूरिज्म वहां पे एक तरीके से अब ओपन हो गया है कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया से लोग आए, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास अब कोई क्या ऑप्शंस रह गए हैं, और क्या पाकिस्तान भी कश्मीर में पाकिस्तानी कश्मीर में टूरिज्म खोल सकता है, ओपन करे, उसे भी ये चाहिए? सर ओवर टू यू। देखें जी, ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। जहां तक स्टेडियम में कितने लोग आए क्या हुआ, वो तो भारत के अंदर जो मोदी साहब और उनकी पार्टी की और उनकी अपनी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी और स्ट्रेंथ है और उनका जिन लोगों से मुकाबला है वो उस हिसाब से देखा जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है अक्रॉस द डिवाइड पाकिस्तान से जो रिएक्शन की, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, और ये बड़ा एक तरह का जिसको आप कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट, एक लम्हा फिक्रिया के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। चूँकि बुनियादी तौर पर जाहिर है कि सोशल मीडिया भी पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है, जो लोग समझते हैं सोशल मीडिया आज़ाद है उनको भी ये बड़ी गलतफहमी है। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त भी उन लोगों के हाथों में है, जो वही लोग हैं जो पहले से जिनका रवायती मीडिया पे इख्तियार है, और जो कुछ रवायती मीडिया पे आता है उसी को फिर सोशल मीडिया पे ट्रांसफ़र किया जाता है। जो प्राइवेट सोशल मीडिया है वो तो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपनी जगह बनाने के लिए। तो इस तरह की जो कैंपेन्स होती है उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट जो है और मुल्क की जो इनविजिबल फोर्सेस का हाथ और उनकी आशीर्वाद जो है वो जरूरी होती है। अब आप ये बताएं कि ये रिएक्शन 2019 से लेके 5th of August जब ये डिसीजन हुआ था, एक बहुत ही बड़ा जो है लाइफ चेंजिंग किस्म का डिसीजन
आप उसको कह सकते हैं, तो ये रद्द अमल उस वक्त क्यों नहीं हुआ? सो कोई सियासतदान बात नहीं करता सिर्फ और सिर्फ अपने जो पॉलिटिकल आपका जो रेलिवेंस कम होती है तो एक वो जिंगोइज्म का जो माहौल होता है उसमें बात करते हैं, या फिर अगर पॉलिटिकल क्लास कोई कश्मीर से कोई बात करे, अगर आप देखें कि अमित शाह और राजनाथ सिंह जब कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे तब भी पाकिस्तानी सियासतदान उनको जवाब नहीं देते, जब लार्जली कोई कश्मीर के ऊपर कुछ ऐसा हो तो थोड़ा बहुत बात करेंगे, बाकी सारे चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए, बिकॉज शायद वो समझ चुके हुए हैं कि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है और ये एक इशू ऐसे कहिए। दूसरी रीज़न जो है पाकिस्तान के लोग भी कश्मीर को भूल चुके हैं, उसकी शायद पहली वजह ये है कि या उसकी ये समझ लें कि पर्सनल रीजंस हैं और इंटरनल चैलेंजेस हैं, इंटरनल चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को वो जो कश्मीर इशू एंड देन फिर उसके ऊपर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, सो लार्जली लोगों को याद करवाना पड़ता है कि कश्मीर भी है, वरना कोई बंदा कश्मीर पे बात नहीं करता, जिसकी वजह से एक आए रोज़ जिसे कहते हैं ना कि अवाम के अंदर कोई वो नहीं है कि हाँ हमें बड़ी वो है। आप देखें कि मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं और वो क्या नारा लेके जा रहे हैं, दिल्ली की दूरी, ठीक है जी, से और दिल की दूरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, बिकॉज कश्मीर इज़ स्टिल अ यूनियन टेरिटरी, तो वो कहते हैं कि मोदी साहब जो एम्फसाइज़ करेंगे दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी, मीन्स के दिल्ली बहुत दूर है और दिल भी हमारे दूर हुए हैं, सो हमने उनको कनेक्ट करना है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने कश्मीर को जिस सेंस में पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सामने ही है फॉर अ मोमेंट अगर देखा जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज, तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इंडिया के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एक विक्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिली है, फर्स्ट He did a political move just before the elections. कि उन्होंने कहा जी कि right after the elections 370-35A रिमूव कर दिया एंड देन भाई उन्होंने कहा मैं जीत चुका हूँ, देन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाया, देन उनको डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वो अपने केस को दुनिया के सामने उन्होंने सारे के सारे जो कश्मीर इशू है इसको टेररिज्म एंड जिहाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन चीज़ों से लिंक कर दिया है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि वट एवर इज़ हैपनिंग इन कश्मीर, इफ़ देर इज़ एनी स्ट्रगल इन कश्मीर विच पाकिस्तान कॉन्सिडर्स इंडिजिनस स्ट्रगल, देन दैट स्ट्रगल इज़ कॉन्सिडर्ड कि भाई ये तो एक दहशतगर्दी है या इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को इस का है। इंडिया ने इतना ज़्यादा हाईलाइट किया इन फ्रंट ऑफ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, इतना ज़्यादा डिस्कस किया और वहाँ पे जो भी इंडिजिनस मूवमेंट चल रही थी उसको अपने टेररिज्म के कवानीन के साथ लिंक कर दिया, देन आपको पता है जब पाकिस्तान FATF में फंसता था तो इंडिया यूज टू ब्रिंग अप ऑल दैट, एंड देन UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं 1267, 1373 आई थिंक, ये सारे के सारे रेजोल्यूशंस दे कीप ऑन यू नो पुशिंग पाकिस्तान बैक, और हमें हर रोज़ हमें इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपना केस जो डिप्लोमेटिक केस था वो जीता, एंड देन डॉक्टर जयशंकर ही हैज़ अ वेरी बिग वॉइस, उनकी बहुत बड़ी आवाज़ है, बिग वॉइस नोइंग दैट ही इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, ही स्पीक्स वेरी गुड, एंड कोई पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर उस तरह नहीं है जो उस तरह दुनिया के सामने पाकिस्तान के केस को लेके चले और दुनिया को बता सके कि नहीं ये दहशतगर्दी नहीं है या अपना मौक़िफ़ ही रख सके, लेकिन हमने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की जंग में दुनिया का साथ दिया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग को स्टिल लड़ रहे हैं, लेकिन जब कश्मीर का मसला आया तो दुनिया ने कहा भाई ये तो क्या हो रहा है, ये तो आप मजाक खेल रहे हैं। चौथा अहम पॉइंट ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो कम्प्लीट साइलेंस है, इतनी ज़्यादा साइलेंट है कि जब 370-35A आया तो उन्होंने कहा भाई अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 370-35 हमने फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास भी नहीं बुलाने दिया और हम नाराज़ हो गए हुआ, इसी ओवैसी ने कहा कि अगर आप नाराज़ होते हैं तो आप नाराज़ हो जाएं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तान को फिर शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त वज़ीर ख़ारजा होते थे और हमारी इतनी इंसल्ट हुई विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड कि किसी ने भी हमारी बात ना मानी और हम उसी मुश्किल में रहे जी के OIC बात माने, हमने कहा कि हम पैरेलल ब्लॉक क्रिएट करेंगे, फिर हमें माफ़ियाँ मांगनी पड़ी दुनिया मुस्लिम दुनिया से, सो दुनिया समझती है कि भाई अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखा जाए, सो OIC की जो साइलेंस है, जो आपको पता है कि OIC के अंदर दो ही बड़े मेन इशू थे, एक फ़लस्तीन एंड एक कश्मीर, जो फ़लस्तीन है वो आपके सामने है और कश्मीर के ऊपर अब OIC समझती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सके थे कि जो G20 की
जो टूरिज्म समिट थी, आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस थी G20 की साइडलाइन पे जो कश्मीर में हुई, तो उसमें हमने आई थिंक सऊदी अरब और टर्की एंड इंडोनेशिया डिडंट जॉइन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये है OIC की टोटल सपोर्ट पाकिस्तान को। देन काम जी आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो भूल चुकी हुई है।